हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज से हम बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर का जो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट है पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके यूनिट फोर के ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में। तो यह जो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिटन मेडिकल सिस्टम है, जिसमें ये आयुर्वेदिक जो ये वर्ड है मीन्स आयुर्वेदा है। ये आयुर्वेदा मतलब क्या होता है? आयुर्वेदा जो है संस्कृत वर्ड है जो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। आयुर्वेदा इक्वल्स टू आयुर प्लस वेदा। आयुर मतलब क्या होता है? आयुर मतलब होता है संस्कृत वर्ड, उसका मतलब होता है लाइफ, एंड वेदा मतलब होता है नॉलेज और यू कैन से साइंस। तो अगर हम इन दोनों वर्ड्स को कंपाइल करें तो आयुर्वेदा मतलब क्या हुआ? आयुर्वेदा मतलब इट इज द साइंस ऑफ लाइफ और यू कैन से नॉलेज ऑफ लाइफ। तो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हम बेसिकली क्या स्टडी करते हैं? आयुर्वेदिक सिस्टम जो है बेसिकली डील्स विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी और जो डिफरेंट जो डिसीज होते हैं उसके प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में ये आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है डील करता है। मीन्स आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में डिफरेंट जो है मेडिसिनल प्लांट्स, मीन्स प्लांट्स को ऐसे मेडिसिन थेरेप्यूटिक्स यूज किया जाता है, डिफरेंट एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए, मिनरल्स हो गए जिनको यूज किया जाता है ऐसे थेरेप्यूटिक एजेंट, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो इंडियन हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या होता है? टोटल चार वेद होते हैं जिसको आर्यंस ने लिखा है। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, श्याम वेद एंड अथर्ववेद। तो आयुर्वेदा को क्या माना गया है? आयुर्वेदा इज द उपवेद ऑफ अथर्ववेद। उपवेद मतलब क्या होता है? आयुर्वेदा इज द पार्ट ऑफ अथर्ववेद। तो हमने यहाँ पे लिखा है चरक संहिता। चरक संहिता क्या है? चरक संहिता, चरक ने वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट लिखा उन्हें आयुर्वेदा पे बेस्ड, और उसी को क्या बोलते हैं हम? चरक संहिता बोलते हैं। संहिता मतलब क्या होता है? द कंपाइलेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन विद प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है, डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन है फॉर्मुलेस है जो आयुर्वेदा में दिया गया उसके कंपाइलेशन को हम संहिता बोलते हैं। तो चरक ने ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो है आयुर्वेदा का लिखा जिसको हम चरक संहिता से ना जानते हैं, जिसको 1900 BC के अराउंड लिखा गया, और इसमें लगभग 341 प्लांट्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, प्लांट्स के डिराइव्ड प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट संहिता जो कि है श्रुशु संहिता अराउंड 600 BC। ये इन्होंने क्या किया था? श्रुशुत ने ये ने सर्जरी इंट्रोड्यूस किया इनटू द आयुर्वेदा। सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है आयुर्वेदा में इंट्रोड्यूस किया श्रुशुत ने, और इसी कारण से इनको फादर ऑफ सर्जिकल मेडिसिन या फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। और इसमें इस संहिता में लगभग 395 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, अबाउट 57 ड्रग्स के बारे में डिस्क्राइब किया है जो कि एनिमल ओरिजिन का है, और 4 मिनरल्स एंड मेटल्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है जिनको यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज। तो ये हो गया आयुर्वेदा का इंट्रोडक्टरी पार्ट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। तो ये जो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये बेसिकली 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। सबसे पहला हमने यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा हुआ है पंच महाभूत सिद्धांत, मीन्स पंच महाभूत प्रिंसिपल। दूसरा हमने लिखा हुआ है त्रि दोषा थ्योरी, और थर्ड होता है पंचशील थ्योरी। तो सबसे पहले हम आते हैं पंच महाभूत सिद्धांत। इस वीडियो में हम पंच महाभूत सिद्धांत और त्रि दोषा थ्योरी के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो पंच महाभूत सिद्धांत क्या होता है? पंच महाभूत सिद्धांत, पंच महाभूत मतलब क्या हुआ यहाँ पे? पंच मतलब होता है 5 एंड भूतास मतलब क्या होता है? एलिमेंट। तो पंच महाभूत मतलब क्या हो गया? 5 एलिमेंट्स। मतलब पंच महाभूत प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये हाइपोथेसिस है कि इस यूनिवर्स में जितने भी सब्सटेंस है, जितने भी ऑब्जेक्ट है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, मतलब कि महाभूतास, 5 महाभूतास से मिलके बने हुए होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडी, मीन्स हमारा बॉडी और इस यूनिवर्स में जितने भी सब्सटेंस हैं इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। वो 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? पृथ्वी मीन्स अर्थ, अग्नि मीन्स फायर, जल मीन्स वाटर, वायु मीन्स एयर, आकाश मीन्स स्पेस और स्काई कह सकते हैं। तो इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ होता है, हमारा बॉडी भी इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ होता है, और ये सारे जो बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं ये परफेक्ट बैलेंस में होते हैं हमारे बॉडी में। मीन्स हमारे बॉडी के जो स्ट्रक्चर है, डिफरेंट जो फंक्शन है उसमें क्या होते हैं ये 5 बेसिक एलिमेंट जो है प्रॉपर प्रपोर्शन में, परफेक्ट बैलेंस में ये प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ अवर बॉडी।
मीन्स हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर फंक्शन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये जो एलिमेंट जो है ये परफेक्ट बैलेंस में होते हैं। और ये जो बैलेंस अगर डिस्टर्ब होता है, ये जिन फाइव बेसिक एलिमेंट्स का अगर बैलेंस जो है हमारी बॉडी में अगर डिस्टर्ब होता है तो अनहेल्दी कंडीशन जो है डेवलप होता है। अनहेल्दी कंडीशन, इलनेस और डिसीज जो है इस तरीके से डेवलप होती है। और हमारी बॉडी में जो फाइव बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं, इन सभी एलिमेंट्स का डिफरेंट क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी है ये, पृथ्वी क्या हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अग्नि जैसे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है, फायर मीन्स ये हमारे बॉडी को हीट एंड एनर्जी प्रोवाइड करता है। जल, जल मीन्स वाटर, वाटर हमारे की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, वे वाटर की जो है लुब्रिकेंट्स, मॉइस्चर, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। वायु मीन्स एयर, ये रेस्पिरेशन वाइटल फोर्स है। आकाश, स्पेस और स्काई मतलब कि ये जो वैक्यूम से पोस हो गया, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये जो फाइव बेसिक एलिमेंट्स है, तो इन्हीं के डिस्टर्बेंस के, इन्हीं का बैलेंस अगर डिस्टर्ब होता है तो डिसीज जो है अकर होता है। तो आयुर्वेदिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है इन्हीं बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन को क्या किया जाता है, इनको वापस से बैलेंस किया जाता है। तो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमारा ह्यूमन बॉडी भी इन फाइव बेसिक एलिमेंट्स से बना हुआ है। और जो फूड हम जो लेते हैं फॉर द न्यूट्रिशन, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी, जो हम फूड लेते हैं वो भी फाइव बेसिक एलिमेंट्स से बने हुए होते हैं। और इन फूड में जो ये फाइव बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारे बॉडी के जो फाइव एलिमेंट्स है उन लाइक एलिमेंट्स को क्या करते हैं, इनको नरिश करते हैं और इनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये हो गया पंच महाभूता सिद्धांत। और इन्हीं फाइव एलिमेंट्स का अगर जब डिस्टर्बेंस होता है, जो इनका जो बैलेंस, इनकी हार्मोनी जो है या इक्विलिब्रियम जो है डिस्टर्ब होता है, तो इन्हीं को आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इन्हीं को ही प्रॉपर बैलेंस, प्रॉपर जो है रीस्टोर किया जाता है इस कंडीशन को, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस। इसके बाद आती है नेक्स्ट थ्री दोषा थ्योरी। जैसे कि नाम है, ये थ्योरी जो है किस पे बेस्ड होता है, थ्री दोषा, थ्री दोषा मतलब थ्री दोषा मीन्स, जैसा हमने आपको बताया था पंच महाभूत सिद्धांत में कि हमारा जो बॉडी है वो फाइव बेसिक एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ होता है। तो हमारी बॉडी में ये जो फाइव बेसिक एलिमेंट्स है मीन्स पंच महाभूत जो है, ये कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस पंच महाभूत इन द फॉर्म ऑफ, रिप्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ दोषास। तो तीन दोष होते हैं, तीन दोषा होता है, थ्री दोषास, उसी को हम क्या बोलते हैं, वात, पित्त एंड कफा। तो यही क्या होते हैं, यही तीन दोषास होते हैं जिसको हम त्री दोषा बोलते हैं। और दोषास मीन्स क्या होता है, दोषा मीन्स इम्प्यूरिटीज और इम्बैलेंस ऑफ वात, पित्त एंड कफा। और यही वात, पित्त और कफा क्या होते हैं, ये गवर्निंग बॉडीज होते हैं, ये हमारे बॉडी के फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी को गवर्न करते हैं, डिफरेंट बायोलॉजिकल जो फंक्शंस है, प्रोसेस है, उसको गवर्न करते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया था कि ये फाइव बेसिक एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से ये वात, पित्त और कफ जो है रिप्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वात। तो ये वात जो है कौन से फाइव बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है, वात, वायु प्लस आकाश। तो वायु प्लस आकाश से मिलकर बना हुआ है। तो वायु की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, मोबिलिटी की, मूवमेंट की। तो ये वात जो है हमारे बॉडी के किस प्रोसेस को कंट्रोल करता है, गवर्न करता है, ये वात जो है डिफरेंट जो मूवमेंट हो रहे हैं हमारे बॉडी में, और जितनी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो कंट्रोल करते हैं, जो गवर्न करते हैं, वो वात कंट्रोल करता है। जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, सेंसेशन हो गया, मोबिलिटी, डिफरेंट साइकोलॉजिकल फंक्शंस हो गए, थॉट्स हो गए, वो वात के अंदर आता है। मीन्स ये जो वात है ईयर के जैसे, ये क्या करते हैं, डिफरेंट जो हमारे बॉडी में डिफरेंट जैसे मूवमेंट हो गया, जैसे कि आई की ब्लिंकिंग हो गया, मसल्स हो गए, नर्व्स के कॉन्ट्रैक्शंस हो गए, ज्वाइंट का मूवमेंट हो गया, ब्रीथिंग हो गया, ब्लिंकिंग हो गया, रेस्पिरेशन है, ये सभी को क्या करते हैं, ये गवर्न करता है ये वात। और ये वात जो है ये डाइट की क्वालिटी और कोल्ड वेदर में क्या होता है, ये वात जो है इम्बैलेंस हो जाता है, वात का डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पित्त, सेकेंड जो दोषा है वो है पित्त। ये पित्त का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, पित्त जो है कौन से एलिमेंट से मिलकर बना होता है, अग्नि प्लस जल। अग्नि, द अग्नि मीन्स फायर एनर्जी। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो वात है ये कैरेक्टराइज बाय द लाइटनेस एंड मोबिलिटी, वैसे ही सेकेंड जो पित्त होता है, ये पित्त क्या है, कैरेक्टराइज बाय द मीन्स, ये जो इसका क्या करेक्टर होता है पित्त का, ये हॉट, एसिडिक और ब्राइट नेचर कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका, जस्ट लाइक अग्नि। अग्नि मीन्स फायर, मतलब कि हमारे बॉडी में जो हीट प्रोडक्शन हो गया, एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, या
डिफरेंट डाइजेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, डिफरेंट एंडोक्राइन का फंक्शन हो गया, ये सब चीजें कौन गवर्न करता है? पित्त गवर्न करता है हमारे बॉडी में। और ये जनरली जो पित्त है ये हमारे बॉडी में इसका इम्बैलेंस कब होता है? जब हॉट वेदर है या हॉट एंड स्पाइसी फूड है, तो इससे क्या होता है हमारे बॉडी में जो पित्त रहता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये हो गया डिफरेंट जो पित्त जो है वो क्या क्या फंक्शन को गवर्न करता है हमारे बॉडी में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट दोषा कफा। ये जो कफा है ये कौन से एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है? पृथ्वी एंड जल। ये पृथ्वी एंड जल जो बेसिक एलिमेंट है वो उसके कॉम्बिनेशन से हमारे बॉडी में जो रिप्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कफा। और ये कफा का क्या गवर्न करता है, ये कफा का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? जस्ट लाइक पृथ्वी मीन्स अर्थ, ये जिसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है हैवी एंड वाटरी कैरेक्टरिस्टिक होती है। मीन्स ये कफा जो हमारे बॉडी में क्या गवर्न करता है, ये फॉर इट इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस प्रिजर्वेटिव फ्लूड्स। मतलब कफा जो है वेरियस प्रिजर्वेटिव फ्लूड जैसे कि म्यूकस हो गया, साइनोवियल फ्लूड्स होता है, मतलब हमारे बॉडी के जो लुब्रिकेशंस हैं उसको गवर्न करता है। डिफरेंट जो हमारे कफा जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ताकि प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशंस टू द बॉडी टिश्यू, लुब्रिकेशंस एंड ऑल्सो फॉर द हीट रेगुलेशंस। मतलब कि ये जो कफा होता है ये कूलिंग एलिमेंट्स होता है, तो ये जो है हीट को क्या करता है? रेगुलेट करता है और फर्मनेस स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो कफा है ये जनरली कब इसका इम्बैलेंस होता है हमारे बॉडी में? जैसे कि कोल्ड वेदर हो गया, स्प्रिंग सीजन हो गया, हैवी मील हो गया, या टेकिंग टू मच रेस्ट, तो उसे क्या होता है कफ हमारे बॉडी में क्या होता है? इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये हो गया वात पित्त और कफ के बारे में। और ये बॉडी ये तीनों जो है वात पित्त और कफ है ये हमारे बॉडी में परफेक्ट बैलेंस में होता है। और अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा हेल्थ क्या है? हेल्थ इज डिफाइंड एज द बैलेंस्ड ऑफ दिस थ्री दोषास। मीन्स हमारे बॉडी में ये थ्री दोषास क्या होते हैं? ये परफेक्ट बैलेंस में होते हैं, परफेक्ट इक्विलिब्रियम में होते हैं, और इसी को हम हेल्दी कंडीशन बोलते हैं। और अगर ये जो है इस तीर दोषा का मीन्स वात पित्त और कफा का जो इक्विलिब्रियम होता है, जो बैलेंस होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू सम इंटरनल या एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ये जब ये वात पित्त और कफा का जो बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो डिफरेंट इलनेस ये कह सकते हैं डिसीज जो है डेवलप होता है। तो आयुर्वेदा में क्या होता है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इन्हीं जो इम्बैलेंस हुआ है, इन्हीं वात या पित्त या कफा जिसका इम्बैलेंस हुआ है, तो उसको हम डिफरेंट मेडिसिन से या डिफरेंट मेथड से क्या किया जाता है, ये जो डिस्टर्बेंस हुआ है, ये जो इम्बैलेंस हुआ है, उसको वापस से रीस्टोर किया जाता है। तो ये हो गया त्रिदोषा थ्योरी ऑफ आयुर्वेदा। मीन्स हमने आपको पंच महाभूत और त्रिदोषा थ्योरी के बारे में बताया इन आयुर्वेदा। उसका थर्ड थ्योरी हम आपको बताएंगे जो कि है पंचशील थ्योरी, इसके नेक्स्ट पार्ट में। साथ ही हम डायग्नोसिस इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसके नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू।